जो उससे बुढ़ी आगे दो बच्चे हैं, उन दोनों बच्चे से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। भाई राम राम। ये नाम भाई का? सागर। सागर कितनी उम्र होगी? 25 साल। आप? 28 साल। भाई माँ बाप जो है ना, माँ बाप तब कुछ नहीं होता, माँ बाप जिन्हें जन्म दे दिया ना उसने सब कुछ कर दिया हमारे तक। ऐसी क्या नौबत आई भाई आज इस, आपकी मिसेज थी, आपकी आपकी मिसेज थी, क्या नौबत आई बिल्कुल भी आगे साथ ऐसा ना हो। तो कल मैं बाहर जा रहा था तो उन्होंने मेरी वाइफ ने फोन किया, जी पानी के ऊपर ऊपर से चला रही थी, उन्होंने कहा जी होगा राम से कि भाई पानी मत पियो ना उल्टे खा रहे हैं, तो उल्टे पड़ी है आके आपकी वाइफ। तो आपके उसको ने आपन, आपने पता होगा उसका जो नेचर है, आपकी वाइफ आपके कहने में है या नहीं कहने में? ये कहने में। तो फिर ये इतना बड़ा कदम क्यों उठा रहा है? क्या उसने ये करने से पहले क्या आप कौन? अच्छा आप आपस में भाई भाई हो भाई, आपने आपस में बैठ कर कभी इस तरह की कोई बात करी कि भाई आप घर बैठ ले या आपके माता पिता ने? ये कोई सा आपने जिक्र नहीं उठाया? तो आपके जो ये कह सको जो ससुराल वाले ससुराल पक्ष जो आपका, वो आपके निजी मामलों में दखल दे रहा है सीधे सीधे साफ साफ शब्दों में? कैसे हो गई ये बात पहले भी उठी थी? हाँ जी, इसके हिसाब से आई थी, पहले कुछ भी बात नहीं थी, मियां बीवी की लड़ाई थी। आगे ने मेरे मम्मी पापा को बोलने लगी कि घर से बाहर निकाल दो, मम्मी पापा बोलने लगे घर से बाहर निकाल देंगे अगर ऐसा करोगे तो, रोज के लड़ाई दंगे करोगे तो घर से बाहर निकाल देंगे। तो इसके हिसाब से क्या कहती है, घर से बाहर कैसे निकाल दोगे, देश का केस घेर दूंगी। अच्छा वो कहती है जो इसकी भाई की सास है, ससुर है, वाह है। तो देख लो भाई आज कल जो रिश्ते हैं वो तार तार यूं नहीं हो रहे, कहीं ना कहीं जो है लोभ लालच और इस प्रकार से जो परिवार बड़े बड़े जो परिवार हुआ करते, पहले कुड़बे हुआ करते, 50-50 लोग एक रोटी एक चूल्हे पर रोटी खा लिया करते, लेकिन आज एक ही घर में चार आदमी, चार कहूँगा मैं क्योंकि दो ये हैं, दो इनकी बहू होगी और भाई दो माँ बाप हो गए, तो दो माँ बाप दो बड़कर भारी हो रहे हैं आज पढ़ने। और यहाँ पर जो भी बातें जो भी आपने सुनी अब तक, इनमें थोड़ी सी और मैं आगे जो जिन के साथ जो इसकी लड़की माँ है इसके साथ जो बातचीत हुई, जो घटना घटी है, जो मारपीट हुई है, उससे भी एक बार उबरू करवाना चाहूँगा मैं। कह रहे हैं साथी हूँ अखबार के, लेकिन आज भी अंदर आ जाओ, एक बार जो बड़ी बहू है वो उसमें उठवा जाओ। भाई राम राम, आओ तो सास। अच्छा के घटना हुई थी, क्यों करके बात हुई, रोड़ा क्यों करे कि ना करे शुरुआत? झाड़ू मारा थी ऊपर। अच्छा थोड़ा धीरे कर लो। मैं कहा काजल धीरे कर ले, मैं बोला मैं नहीं करूँगा। तो मैं बोली आराम से कर लो, मैं खाना खा रहे नीचे। तो मैं बोली आपको क्या कुछ होगा वो क्या दाम? अच्छा आपसे बहू ने इस तरह की जो जबान है वो पहली बार यूज करी है? पहले उसका पहले भी आपकी तो समय में हुई थी? अच्छा हां, तो फिर मैं ऊपर चली गई, मैं बोली मैं आराम से कर ले, कोती बैठ गई, जब मैं अनु बोले गिरा के तू पास कैसे बैठी हो? वो तीन गई है बाप? नहीं। अच्छा और आपके पास बैठी थी? हां जंगले पर। तो गिरा के पास कैसे बैठी हो? तो मैं बोली मैं खाए क्या हो गया, मैं बैठ गई तो मैं बाल खाई हूं, इसने क्या कर दिया? खाना बनाने लगे तो मैं चल खाना बना लियो, इसका पापा बोला खाना बना लो, मैं ठीक है मैं खाना बना लूंगी। आके ने यार पीछे थे दोनों ने पकड़ ली, मम्मी ने भी उसकी बहू ने भी छोटे वाली ने और उसकी बहन ने भी, आके ना गिट्टी पकड़ दी, मेरा कान पकड़ लिया। अच्छा एक बात और पूछना चाहूंगा, या जो घटना है या सुबह की थी या शाम की थी? शाम की थी जी। अच्छा तो शाम के बाद फिर अपनी मम्मी के पास फोन करा, उन्होंने मुझे नहीं पता फोन करा नहीं करा, तो फिर अपनी मम्मी के पास करा मेरा लड़का भी आ गया, मेरा लड़का है पाछा है, मेरा लड़का सीधा ऊपर चढ़ गया। तो मुझे नहीं पता अभी बाहर तो आया, अभी चल आदमी पानी पूनी पीवा है पी लेंगे बैठ जाएंगे,
इसका पापा बोला पानी पूनी पी लेंदे, अभी आया है भी के बरा किस मुंड में आदमी तो पानी पूनी पी लेंदे, फिर पूछेंगे। इतना तो उसकी मम्मी ने आके ने गला पकड़ लिया, गला पकड़ के कान पकड़ लिया, सरिया मारिया, डंडा एक कुत्का रखा था कुत्का मारिया सरिया। घर में कोई नहीं था उस टाइम, घर में मेरे घर वाला था, टीवी देख रहा था। अच्छा जी। और टीवी का बटन दाब रहे थे उसको, ये तो काफी देर में लिकड़ी है बाहर, इसको नहीं पता था मैं, वो मेरा गला दाबिया नहीं है तो मेरी किलकी लिकड़ी। तो जब आया ये बाहर निकल के तो इसने अपना गला दाब दिया, फिर मेरा कान का भी नहीं पता, फिर मेरा आके नारे पैड़िया के अंदर से मार तो दिया इसने, पैड़िया अंदर से तो आ गई मेरे सोई में, पता आके ना मैं बाहर बोली मका देख जी मका मैं तो मर गई, मैं गेले बेहोश हो गई, खून आ गया सारा। आपने उस टाइम जो था उसके बाद होश से बेहोश हो गया, होश जब आया जब कहाँ मिले आप? मार दे साथ बेहोश होगी मैं तो। अच्छा होश आया कहाँ आया आपको, हॉस्पिटल में आया घर पे? हॉस्पिटल में भी मैंने होश नहीं आया। अच्छा जी। काफी देर में आया, डॉक्टर भी जवाब दे गए थे, मेरे घर वाला नष्टी भी थी कुछ भी नहीं है, तो काफी देर में आया होश भी जवाब दे गए थे। इतना मैंने काफी जरूर सुना है अभी जो है वो है वो यहाँ है या फिर अपने घर पे जाली? अपने घर पे जाली हुए। कैसे को भागी? जल्द गेले साथ में ले गई। अच्छा। हाँ मार पटाई कर कर साथ में चली। कितने आदमी थे लगभग? तीन आदमी आए थे, दो आदमी एक बहू होगी मेरी, बहू ऊपर से आ गई और मम्मी थी उसकी और बहन थी। तो काफी देर में अपना दोनों आके गला पकड़ लिया, बाहर भी आदमी आ रहे थे। जो आदमी थे वो उसके साथ ही थे? वो उसके साथ ही थे, हमने ही पता वह भी घुसे अंदर सुबह सुबह पता लगा हमने। अभी अंदर है ना आदमी बुला रखे थे, तो नार पे बैठे थे, पांच लोग आई थी। वह जो आदमी थे बाहर बैठे थे वह भी अंदर आए या फिर अंदर नहीं आए? अंदर तो केवल दो ही तीन आदमी आए अंदर तो। हाँ वो मारते साथ और भाज गए। आप कहाँ थे जी? आप जी हम बाहर गए हुए थे उस टाइम। अच्छा। पे तो पड़ोसियों ने छुटवाई है मम्मी ना, तो मतलब मारने की कोशिश थी, तो मेरे पास छोटा लड़का गया, मेरा 5 साल का लड़का है, वो भाग के मम्मी माँ जी मार दी है, मैं किसने एक बेटा पता नहीं कौन है माँ जी के सिर में लट मार दिया। हम भाग गए आए ना जैसे, तो हमारी छोटी बहू और उसकी मम्मी और उसकी बड़े वाली सिस्टर तीनों हमने भागती मिली, हम उसके पीछे भागे ना जैसे, शनि मंदिर के पास दो तीन आदमी खड़े थे, उन्होंने मेरा घर वाला पकड़ा, घर वाले को धमकी दी है, फिर हमने आगे वो पकड़े हैं। अच्छा, आपके घर वाले को भी धमकी दे गए हैं भाई? मेरे घर वाले को ऐसे, हाँ मेरे घर वाले को ऐसे बोला तू बता दे तेरे को भी क्या चाहिए है। हाँ जी मेरे घर वाले उन्होंने छोड़ के आगे बोले हम थाने में जाओ, तो हम थाने में पेश हो जाओ, तो हम भी थाने में आ जाओ। अच्छा, वो यहाँ से सीधे फिर थाने में भी नहीं गए? कहीं नहीं गए जी, वो उन्होंने हमको धमकी दी है, और कोई और बंदा था उनका फोन आया जब हमारे पास, ये बोला है तू बीच में मत बढ़ाई ना हम खुद देख लेंगे। हाँ जी वो ऐसे बोलते। तस्वीरों के माध्यम से आपने क्या लगाया तो राय अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और किसी भी बात की जो पुष्टि है वो मीडिया नहीं करता है, तमाम जो बातें हैं वो पीड़ित परिवार की हैं।